द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, पहला है देवेंद्र बहादुर सिंह, विकास उपाध्याय, श्रीनंद कुमार साय या देवेंद्र यादव। ठीक है, तो इसका आंसर है श्रीनंद कुमार साय, सी, ऑप्शन सी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम है, इसका मुख्यालय रायपुर में है। ठीक, और इसका गठन 7 अप्रैल 2001 को हुआ है और ये उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत एकमात्र निगम है। ठीक है, अब नंद कुमार साय जी के बारे में, राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे, तो इसमें जो प्रथम नेता प्रतिपक्ष, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन है, मतलब नंद कुमार साय जी है। ठीक है, ये 2002 से 2003 तक के थे, 14 फरवरी 2002 से 5 दिसंबर 2003 तक के विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ठीक है, और ये 28 फरवरी 2017 को, ठीक है, नंद कुमार साय जी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी पदभार ग्रहण किया था। ठीक, और विधान 2000 से 2004 के विधानसभा के सदस्य भी थे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी थे, और 2009 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। ठीक, 2004 से लेकर 2009 तक, ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहां स्थापित किया गया है? ठीक है ना, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहां स्थापित किया गया है? आप ऑप्शंस देख रहे हैं, तो रामाराम, मनेंद्रगढ़, कांकेर और कबरा पहाड़। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, रामाराम। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 जून को सुकमा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान रामाराम मंदिर परिसर में बने रॉक गार्डन का और मंगल भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये डीएमएफ के 2,27,71,000 की राशि से राम वन गमन पथ अंतर्गत रॉक गार्डन और मंदिर उन्नयन का कार्य किया गया है। राम वन गमन पथ, ठीक, और रॉक गार्डन अंतर्गत रॉक गार्डन और मंदिर उन्नयन का कार्य किया गया है। ठीक है, इस परिसर में पर्यटन की दृष्टि से जनजाति संस्कृति, कलात्मक प्राकृतिक संरचना, पर्यटन स्थल के मॉडल को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जब जैसे कि आपको पता है कि त्रेता युग में श्री राम जब वनवास हुआ था, तो वो अधिकतर एरिया, अधिकतर अपना जो वनवास है वो दंडकरण्य के क्षेत्र में बिताए थे। तो ये रामाराम जो पहाड़ी है, ये सुकमा जिले में है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भी श्री राम रुके हुए थे। इसलिए श्री राम की जन्म की जो कहानी, जन्म है ना, फिर लंका दहन और फिर अयोध्या वापसी की कहानी को पत्थरों में कहानी के माध्यम से यहाँ पे उकेरा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, ये इंडियन करंट अफेयर के लिए है। विश्व बैंक ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो आपको बताना है विश्व बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक है, उसका नया अध्यक्ष कौन है? तो उसका ऑप्शन देख लीजिए आप, अजय बांगा, अजय भटनागर, बी आर सुब्रमण्यम या लियो वराडकर। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर है ए, अजय बांगा। इसके अलावा अजय भटनागर जो है वो अभी नए नियुक्त हुए हैं सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, और जो बी आर सुब्रमण्यम है वो नीति आयोग के सीईओ है, और लियो वराडकर ये पीएम है, कहाँ के, आयरलैंड के, ये कहाँ के पीएम है, आयरलैंड के। ठीक है, ये भी अप्रवासी भारतीय हैं। ठीक है, और अजय बांगा जी को भी अभी हाल फिलहाल में ही, ठीक है, अप्रवासी प्रवासी की सूची में मान्यता दी गई है, और ये विश्व बैंक के 14th अध्यक्ष, मतलब 14वें क्रम के अध्यक्ष हैं, 14th अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जो महान अप्रवासी जो सूची दी जाती है उसको कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये जो लोग अमेरिका के और उसके लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए जो योगदान और प्रयास करते हैं, ये उनको दी जाती है। ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और जैसे कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क है ना, एक परोपकारी फाउंडेशन है जिसकी स्थापना स्कॉटिश अप्रवासी है ना एंड्रयू कार्नेगी ने की थी, और अब इसका नेतृत्व आयरिश प्रवासी डेम लुइस रिचर्डसन कर रहे हैं। ठीक है, जो महान अप्रवासी है ये उनको दिया जाता है जिन्होंने शिक्षक, संरक्षक, परोपकारी, नौकरी और लोक सेवक, कहानीकार और वकील के रूप में अपने काम के माध्यम से दूसरों के लिए अवसर पैदा करती है, उनको महान अप्रवासी के रूप में सूची में इनका नाम दिया जाता है। ठीक है, जो अजय बांगा जी हैं, इससे पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे और 2016 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारतीय बैंक
पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जो व्यापारियों को रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर अलग अलग बैंक होते हैं, तो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें बताना है कि आपको रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई का भुगतान कौन कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लो, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक। ठीक है, तो अभी जो है इसका आंसर है डी, कैनरा बैंक। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो आरबीआई ने कुछ बैंकों को अपने ग्राहकों को है ना यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है। ठीक है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और अब कैनरा बैंक के ग्राहक इस सेवा से सबसे पहले लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, यह सहयोगात्मक प्रयास वित्तीय समावेश को बढ़ावा देता है और समाज के व्यापक वर्ग को सशक्त करता है। ठीक, तो जो यूपीआई है वो 2016 में नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन एनपीसीआई के द्वारा विकसित एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। ठीक है, और जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और ये आरबीआई ही इसको ऑन करता है एनपीसीआई को, और ये ज्यादातर रूल्स बनाता है, रूल्स और गाइडलाइन बनाता है पेमेंट के लिए। ठीक है, ये ज्यादातर रिटेल पेमेंट और उसके सेटलमेंट के लिए रूल्स बनाता है। और एनपीसीआई की और प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो ये आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम है वो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम ऐप और रुपे कार्ड, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और अगर देखें तो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ अभी कौन है, दिलीप अजबे जी है। ठीक है, एनपीसीआई के अभी एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप अजबे हैं। ठीक, और श्री के सत्यनारायण राजू किसके, कैनरा बैंक के ना प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं। कौन, श्री के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के प्रबंधक और निदेशक हैं। तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत वर्ष 2023 में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु योजना कब से आरंभ किया जा रहा है। आपको बताना है कि तुहर पौधा तुहर द्वार योजना वर्ष 2023 में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कब से आरंभ किया जा रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई, है ना, ABCD। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, 4 जुलाई। इस वर्ष 4 जुलाई से जो तुहर पौधा तुहर द्वार योजना शुरू हो रहा है, तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई। ठीक है, ये 4 जुलाई, इसका सही आंसर 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ये वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये इससे पहले लास्ट ईयर 1 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन है ना मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजधानी के रायपुर के स्थित अपने निवास कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरी 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी देकर तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो किसने शुभारंभ किया था, है ना, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने। ठीक है, लास्ट ईयर 1 जुलाई 2022 से शुरुआत किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के साथ 4 महाद्वीप की ऊंची चोटियों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन बनी। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन बनी। आप ऑप्शन देख लो, है ना, ए में नैना सिंह धाकड़, बी याशी जैन, सी बिछेंद्री पाल और डी संतोष यादव। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली है ना पर्वतारोही कौन बनी है। तो इसका सही आंसर है बी, याशी जैन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, जो रायगढ़ की पर्वतारोही कहां से है, ये रायगढ़ से है। ठीक, रायगढ़ की पर्वतारोही, ठीक, कहां से, रायगढ़ की पर्वतारोही कौन, याशी जैन। याशी जैन ने 17 मई की सुबह 6 बजे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, है ना, की चढ़ाई पूरी की, है ना, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने के 26 घंटे बाद ही, कितने 26 घंटे बाद ही, है ना, विश्व की चौथी सबसे ऊंची माउंट लोहत्से, है ना, 8516 मीटर पर भी 18 मई को सुबह 8 बजे उसने पूरी चढ़ाई कर ली। ठीक है, मतलब 17 मई को माउंट एवरेस्ट में और 18 मई को माउंट लोहत्से में चढ़ाई की। ठीक, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, जो पहली भारतीय महिला थी, कौन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है ना फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी, बछेंद्री पाल। कौन थी, बछेंद्री पाल। ये कब की थी, 23 मई 1984 को, कब की थी, 23 मई 1984 को। ठीक है, और जो संतोष यादव दुनिया की पहली महिला है, ठीक है, संतोष यादव दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने 8848 मीटर शिखर माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है। जो संतोष यादव है इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया, मतलब वहां पे चढ़ाई की है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है, नैना। ठीक है,
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कहां माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक। छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतह की नैना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले ने देश के 43 आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है। आपको बताना है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में नारायणपुर ने देश के आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, ए में है ना, ए बी सी डी 1, 2, 5 और 10। तो इसका सही आंसर है आपका बी, सही आंसर है बी, है ना। कौन सा स्थान मिला है जल जीवन सर्वेक्षण में 2023 के, सेकंड स्थान मिला है, ये अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक के लिए था, 6 महीने का था ये जल जीवन सर्वेक्षण के लिए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये पुरस्कार, ये सेकंड रैंक मिला है, ठीक है, सेकंड रैंक मिला है। तो जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है भारत सरकार की पहल है, ठीक है, जिस आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन स्तर को, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न हितधारकों की मदद से नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, जनवरी 2018 में पीएम ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था 2018 में। कब से शुरू किया गया था? जनवरी 2018 में। तो आकांक्षी जिले उस टाइम कितने थे? 112। कितने? 112। भारत में कितने आकांक्षी जिले थे? 112। और छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले आते थे, जिसमें से एक कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद और उसके बाद बस्तर संभाग के 7 जिले। कौन कौन से? कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा। ये 7 जिला नीचे बस्तर संभाग से और ये 3 जिला ऊपर से, कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद। टोटल छत्तीसगढ़ में 10 जिले थे आकांक्षी जिलों में, ठीक है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार और जिला स्तर के प्रशासनों के साथ साझेदारी में नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। इसके जो प्रमुख फोकस जो क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा होता है, ठीक है, इसमें देख लीजिए कौन कौन सा जो क्षेत्र है प्रमुख है, है ना, स्वास्थ्य है, है ना, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन और बुनियादी शिक्षा, है ना, बुनियादी ढांचे, ये इनके प्रमुख जो फोकस के क्षेत्र होते हैं ये इनमें से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, है ना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आगाज कब से होगा। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ठीक है, का आगाज कब से हो रहा है, ठीक। ए में 13 जुलाई, बी में 15 जुलाई, सी में 17 जुलाई और डी में 19 जुलाई। तो इसका सही आंसर है सी, 17 जुलाई। कब है? सी, 17 जुलाई को, ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 को, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आगाज हरेली के दिन, ठीक है, हरेली कब पड़ रहा है? 17 जुलाई को। कब पड़ रहा है? 17 जुलाई को, ठीक, 17 जुलाई से हरेली के त्यौहार के दिन में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, ठीक। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 3 वर्ग हैं, ठीक है, इसमें से प्रथम वर्ग में क्या है? 18 वर्ष की आयु तक। दूसरे वर्ग में कितना है? 18 से 40 वर्ष की आयु तक। और तीसरा वर्ग क्या है? ये 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी के लिए। इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सबसे पहले, है ना, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में सबसे पहले कौन करवा रहे हैं? राजीव युवा मितान क्लब, है ना, वो के स्तर पर प्रतियोगिता कब से होगी? 17 जुलाई से 22 जुलाई तक, ठीक है, ये नॉकआउट पद्धति से रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है ये लगभग 2 माह 10 दिन तक के चलने वाला खेल प्रतियोगिता है। इसमें कितने चरण होंगे? इसमें 6 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 6 चरण होंगे, 6 चरणों में आयोजित हो गया, है ना। इसमें बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक हिस्सा ले सकेंगे, ठीक है। इस प्रतियोगिता में दलीय, है ना, ग्रुप में और एकल, है ना, श्रेणी में कितने? 16 तरह के पारंपरिक खेल रखे गए हैं। कि ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है मेनली पारंपरिक खेलों के लिए है, ठीक है। इस बार इस ओलंपिक में क्या है? एकल श्रेणी में, है ना, एकल श्रेणी में रस्सी कूद एवं कुश्ती को भी जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है इस वर्ष? एकल श्रेणी में रस्सी कूद और कुश्ती को भी जोड़ा गया है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का दायित्व ग्रामीण के क्षेत्र के लिए कौन कर रहे हैं? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय क्षेत्र में कौन कर रहा है? नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ठीक है। नगरीय क्षेत्र में कौन कर रहे हैं? नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ठीक है। प्रतियोगिता का समापन कब हो रहा है? 27 सितंबर
23 को होगा, 27 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर जिले के किस रीपा सेंटर में, है ना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा का फुल फॉर्म, सेंटर में किस है ना, सेंटर में हरेली के लिए गेड़ी एवं पूजा थाली का निर्माण किया जा रहा है। हरेली में गेड़ी ही चढ़ते हैं पारंपरिक रूप से। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि गेड़ी और पूजा थाली का निर्माण किस रीपा सेंटर में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप, है ना, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ए में है कोसरंगी, बी में है कुलगांव, सी में बेलटोगरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है रायपुर जिले के कोसरंगी में हो रहा है। कहां पे? रायपुर जिले के कोसरंगी रीपा सेंटर में हो रहा है। ठीक, हरेली के लिए गेड़ी एवं पूजा थाली का निर्माण। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, इस बार रीपा में बनी गेड़ी और पूजा थाली के लिए प्रदेश मनाएगा हरेली त्योहार। ठीक है, इस बार रायपुर जिले के कोसरंगी गांव के रीपा में हरेली त्योहार को पारंपरिक रूप से मनाने के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। रीपा में गेड़ी एवं पूजा थाली का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, लोक पर्वों पर सार्वजनिक अवकाश दिए जाते हैं। ठीक, तीजा लोक पर्व है ना, माँ कर्मा जयंती, माँ शाकंभरी जयंती, छेड़छेरा जिसको बोलते हैं, विश्व आदिवासी दिवस और छठ। ठीक है, इसमें हरेली त्यौहार को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के दिन ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कौन सा योजना स्टार्ट किया था, गोधन न्याय योजना। ठीक, गोधन न्याय योजना की शुरुआत हरेली पर्व के दिन से ही की थी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं और। ठीक है, जो हरेली त्यौहार है, ठीक, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्यौहार है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपको कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्यौहार कौन सा होता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला सबसे पहला त्यौहार कौन सा होगा, हरेली का त्यौहार, है ना। ये छत्तीसगढ़ के लोगों की संस्कृति और आस्था से परिचित कराता है। ठीक, हरेली का मतलब होता है हरियाली। हरेली का मतलब क्या होता है, हरियाली, जो हर वर्ष सावन महीने के अमावस्या में मनाया जाता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि हरेली किस मास में मनाया जाता है, तो आपको बताना है सावन मास के अमावस्या में मनाया जाता है। ठीक है, हरेली मुख्यतः खेती किसानी से जुड़ा हुआ पर्व है। ठीक, इस त्यौहार के पहले तक किसान अपनी फसलों की, है ना, क्या क्या कर लेता है, बुआई और रोपाई कर लेता है इस त्यौहार के पहले तक। और इस दिन के बाद कृषि संबंधित सभी यंत्रों को, है ना, जैसे क्या क्या यंत्र हैं, गैती, कुदाली, फावड़ा, है ना, समेत जितने भी कृषि में काम आने वाले, है ना, औजार हैं, उनकी साफ सफाई करके उन्हें एक स्थान में रखकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, किसकी, कृषि संबंधित यंत्रों की। ठीक है, है ना, कृषि संबंधित यंत्रों की क्या होती है, पूजा अर्चना करते हैं लोग हरेली के दिन। ठीक है, घर में महिलाएं तरह तरह के छत्तीसगढ़ी व्यंजन, है ना, खास करके गुड़ का चीला बनाती है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरेली में कौन सा व्यंजन बनता है, तो गुड़ का चीला आंसर। ठीक है, तो हरेली में जहां किसान कृषि उपकरणों की पूजा कर पकवानों का आनंद लेते हैं, ठीक है, आपस में नारियल फेंक का प्रतियोगिता भी करते हैं हरेली के दिन। ठीक है, नारियल फेंक की प्रतियोगिता लोकल क्षेत्र में करते हैं अभी भी, और वहीं युवा बच्चे गेड़ी चढ़ने का मजा लेते हैं। ठीक है, तो हरेली विशेष त्यौहार है, छत्तीसगढ़ के लिए पहला त्यौहार है। ठीक, आगे देख लेते हैं हम, अब इंडिया का करंट अफेयर में देख लेते हैं। तो इंडिया के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो द्वारा मिशन गगनयान के लिए इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल उपयोग में लाया जा रहा है। आपको बताना है मिशन गगनयान के लिए, ठीक है, ये जो मिशन गगनयान है उसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल है जो उपयोग में लाया जा रहा है इसरो के द्वारा। ऑप्शंस देख लीजिए आप, ए पीएसएलवी, बी जीएसएलवी, सी जीएसएलवी, MK3, ठीक है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मिशन गगनयान, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा सी जीएसएलवी MK3 Mark 3, इस ये वाला लॉन्च व्हीकल उपयोग में ला रहा है, GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल उपयोग में लाया जा रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, जो PSLV होता है, है ना, जो भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, क्या है, तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ठीक, यह भारत, है ना, यह पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। PSLV क्या है ना, PSLV भारतीय प्रक्षेपण, है ना, पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। ठीक है, जो तरल चरणों से सुसज्जित है, अक्टूबर 1994 में अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद PSLV भारत के एक विश्वसनीय और बहुमुखी लॉन्च वाहन के रूप में उभरा है। तो इसके जो PSLV थे उसके लिए दो मेन मिशन, एक चंद्रयान 1 2008 में और दूसरा मार्स ऑर्बिट, है ना, स्पेसक्राफ्ट, ये 2013 में। तो इसके लिए कौन कौन से व्हीकल यूज किए गए थे उसको भी आपको देखना, PSLV के कौन से व्हीकल्स। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन क्या था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, है ना, भारत द्वारा विकसित लॉन्च वाहन है जो क्रायोजेनिक, है ना, क्रायोजेनिक तीसरे चरण का उपयोग करने में संचार उपग्रह को, है ना, जियो ट्रांसफर कक्ष में लॉन्च करता है, संचार उपग्रह को, है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो ट्रांसफर कक्ष में लॉन्च करता है, ठीक। और जो थर्ड है LVM3 जो है ना, GSLV M3 क्या है, है ना, लागत प्रभावी तरीके से GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम, ठीक है, 4000 हैवी, है ना, किलोग्राम को अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए इसरो का नया हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है। क्या है? इसरो का नया हैवी लिफ्ट वाहन, है ना, नया हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, ठीक। जो ये चंद्र मिशन गगनयान है, एक मैंड मिशन है, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल देख लेंगे, इसमें पिक्स में आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा और, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण, है ना, सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आपको बताना है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, ए क्या है 67, बी 68, सी 69 और डी 70। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, है ना, वो भारत के लिए कौन सा रैंक दिया है, 67th रैंक, ए ऑप्शन 67th रैंक, ठीक। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, है ना, जो एनर्जी ट्रांजिशन है, है ना, एनर्जी ट्रांजिशन मेनली क्या है, जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो क्या है, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को किसके साथ हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, पवन, सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा जैसे स्रोत के साथ लिथियम आयन बैटरी से प्रतिस्थापित करने के संदर्भ में देखा जाता है। जो ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन है, है ना, जो तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले को पवन, सौर जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी से प्रतिस्थापित करने के संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच, है ना, 28 जून 2023 को भारत को अपने एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक में 67वें स्थान पर रखा है, ठीक है। सबसे पहला अग्रणी देश इसमें स्वीडन है, ठीक है, उसके पीछे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है, ठीक है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है ना, ये कहाँ पे है, जिनेवा में है, है ना, जिनेवा में है, ठीक, इसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। और अभी इसके वर्तमान जो CEO हैं वो आप बताइएगा कि इसके वर्तमान CEO कौन से हैं, कौन है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता है? आपको बताना है कि अभी जो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता है। आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन कौन है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मणिपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा सी, तमिलनाडु, ठीक, इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु। जो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब तमिलनाडु ने जीता है, इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। ये जो स्टेट सीनियर नेशनल वीमेन फुटबॉल जो प्रतियोगिता थी वो 14 से 28 जून को हुआ, है ना, ये 27th एडिशन था। कौन सा एडिशन है, 27th एडिशन, ठीक। किसके किसके बीच फाइनल हुआ, तमिलनाडु और हरियाणा के बीच फाइनल हुआ, जो फुटबॉल का जो फाइनल है तमिलनाडु और हरियाणा के बीच हुआ। तमिलनाडु इसमें विजेता टीम रही है और इसको, ये इसकी सेकेंड ट्रॉफी है, फर्स्ट ट्रॉफी कब मिला था, 2016 में, और दूसरी ट्रॉफी है 2023 में वर्तमान में अभी। कहाँ पे हुआ ये फाइनल, गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में, और ना, और जो विजेता टीम से प्रदर्शनी और इंदुमती ने एक एक गोल किया था। जो पिछले सत्र की विजेता टीम रही है वो कौन है, मणिपुर है, जो 21-22 में इसकी विजेता टीम रही है सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल की। और सबसे ज़्यादा विजेता 21 बार कौन रही, मणिपुर, सबसे सफल टीम इसमें मणिपुर ही रहा। तो इस प्रतियोगिता में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, स्टेट एसोसिएशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बीच में खेला जाता है। ये कब से शुरू हुआ है ये खेल, 1991 से, ठीक, राज्य स्तरीय नेशनल प्रतियोगिता है और ये 1991 से शुरू हुआ है। हीरो स्किन स्पॉन्सर थे इसलिए इसको हीरो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, आपको बताना है, एशियाई कबड्डी, ठीक है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, ठीक है, ABCD, भारत, ईरान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि किस देश ने जीता है। तो इसका सही आंसर है ए, भारत, कबड्डी में भारत चैंपियन है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और ईरान के बीच में, भारत और ईरान के बीच में फाइनल हुआ था, किसका, कबड्डी का, ठीक है, जो मौजूदा चैंपियन भारत है, ठीक। कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया, है ना, साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुआ था, साउथ कोरिया के बुसान शहर में, ठीक है, कोरिया के बुसान शहर में, ठीक। इस टूर्नामेंट का 9 संस्करण में भारत का ये 8वां खिताब है, कहाँ है, 8वां खिताब है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब से शुरू है,
1980 से शुरू है, ठीक है। इसमें 10 एशिया की टीम पार्टिसिपेट करती है और सबसे सफल टीम भारत की रही है, इसमें सबसे सफल टीम भारत की रही है, एशियाई, है ना। वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ है? आपको बताना है कि वाहनों के फिटनेस जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ है, ठीक है। आपके ऑप्शन देख लीजिए, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या रायगढ़, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, रायपुर। अभी रायपुर में नया वाहन फिटनेस जांच सेंटर बनाया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जो पूर्व में जो फिटनेस है, इसका कार्य कौन करता था? आरटीओ के ऑफिसर आके, इंस्पेक्टर आके द्वारा किया जाता था। उनके अनुभव के अनुसार ही फिटनेस प्रमाण पत्र मिलता था। तो पहले मैनुअली होता था, कौन करता था? आरटीओ इंस्पेक्टर करता था, आरटीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर के द्वारा, है ना, मानवीय रूप से किया जाता था। अब उसको आधुनिक रूप से किया जा रहा है, ठीक है। अनफिट वाहन यदि रोड में चलते हैं तो उनसे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। ये क्यों लाया गया है? क्योंकि अनफिट वाहन है उसके कारण एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। ट्रांसपोर्ट वाहन से एक्सीडेंट होने से जान माल की हानि ज्यादा होती है, ठीक है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हैवी गाड़ियों का फिटनेस 1 अप्रैल 2024 से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से अनिवार्य रूप से कराए जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। कब अधिसूचना जारी की गई है? 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है। तो अब राज्य में स्क्रैपिंग नीति भी लाई गई है ना, स्क्रैपिंग नीति, जिसके तहत क्या है, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग करने पर नई गाड़ी खरीदने के दौरान टैक्स में कितना, टैक्स में 25% तक छूट मिलेगी, ठीक। किसमें मिलेगी छूट? टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक। तो इस छूट का लाभ लेने के लिए पहले गाड़ी को आपको कहां, ऑटोमेटिक सेंटर से निरीक्षण कराने के पश्चात, है ना, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैपिंग कराना होगा। स्क्रैपिंग कराने के बाद नई गाड़ी खरीदने के लिए टैक्स में छूट हेतु सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाएगा, जिससे छूट का लाभ मिलेगा। आपको उसमें पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि 15 वर्ष से अधिक आयु की ट्रांसपोर्ट गाड़ी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के परीक्षण में फेल हो जाती है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है? स्क्रैप नीति के अंदर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान इनमें से संबंधित है। आपको बताना है कि जो ऑपरेशन मुस्कान है, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाया जा रहा है, इनमें से किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस भी देख लीजिए, ए क्या है, युवा रोजगार के लिए, बी क्या है, राज्य में गुमशुदा बच्चों की पातसाजी के लिए, सी में क्या है, ए और बी दोनों, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो ऑपरेशन मुस्कान, ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है बी, राज्य में गुमशुदा बच्चों के पातसाजी के लिए है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने के निर्देश पर राज्य में गुमशुदा बच्चों की पातसाजी के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, ठीक है। निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस महानिदेशक कौन है? सीआईडी, सीआईडी के महानिदेशक कौन है? श्री एस सी द्विवेदी के पर्यवेक्षण में गुमशुदा बच्चों की पातसाजी हेतु प्रदेश व्यापी अभियान ऑपरेशन मुस्कान कब से कब चलाया गया? 1 जून से 30 जून तक चलाया गया, जिसमें राज्य पुलिस को बेहतर सफलता मिली है, ठीक है। तो यह अभियान कौन कौन से राज्य में चलाया गया, देखिए, साथ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में चलाया गया है। इस दौरान जिलों में गठित पुलिस टीम द्वारा हर संभावित स्थान पर जाकर गुमशुदा बच्चों की बरामद किया गया है, गुमशुदा बच्चों को बरामद किया गया है, ठीक है। कितने बालक हैं? 72 बालक और 487 बालिकाएं, टोटल कितने हुए? 559 गुमशुदा बच्चों को बरामद किया गया। मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये, बहुत सफल ऑपरेशन रहा है ऑपरेशन मुस्कान। टोटल 559 गुमशुदा बच्चों को, है ना, बरामद किया गया है, जिसमें सर्वाधिक कौन से जिले से था? जांजगीर चांपा जिले से 76, रायपुर से 56, बिलासपुर से 52 और सक्ती से 52 गुमशुदा बच्चों को एवं शेष अन्य जिलों द्वारा बरामद किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से बरामद किए गए बालक बालिकाओं को पुलिस द्वारा विधिवत उनके परिजनों के सुपुर्द कर गुमशुदा बच्चों एवं पालकों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने में सफलता प्राप्त की, इसीलिए इसको ऑपरेशन मुस्कान बोला गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में फिलहाल कितने प्राकृतिक पेंट की इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य में फिलहाल कितने प्राकृतिक पेंट की इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 64, 67, 76 और 77, ए बी सी डी। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में
कितने प्राकृतिक पेंट इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर है A64। ठीक है, इसका सही आंसर है A64। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य में फिलहाल, ठीक है, 64 प्राकृतिक पेंट की इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कितने 51 यूनिट क्या हो गए हैं, स्थापित हो चुके हैं, जबकि 47 इकाइयों में, है ना, 47 इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया है। प्राकृतिक पेंट गोबर से बन रहा है, ठीक है, उसका उत्पादन भी 47 में इसका उत्पादन भी शुरू हो गया है, और निर्माणधीन जो 13 पेंट यूनिट की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है, और शीघ्र 17 जो यूनिट बचे हैं उनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गोबर से प्राकृतिक पेंट बन रहा है, तो गोबर से अभी तक कितने लीटर प्राकृतिक पेंट बना लिए हैं, 266,155 लीटर प्राकृतिक पेंट उत्पादित किया जा सकता है टिल डेट, है ना। जब 2,00,000 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से कितने का आय हुआ है, 4,15,00,000 रुपए का आय हुआ है, किनको, गौठाने को, रिफर सेंटर को। ठीक है, तो गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट से पोताई करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट भवन कौन था, बालोद का था। कहां का था, बालोद का था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं, रिपा सेंटर के रूप में विकसित होने लगे हैं। गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ साथ नवाचार के रूप में गोबर के प्राकृतिक पेंट का उत्पादन तेजी से होने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे इंडिया से करंट अफेयर है। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश कौन है? आपको बताना है कि शंघाई सहयोग संगठन का 9वां देश कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए में है चीन, बी भारत, सी कजाकिस्तान, डी ईरान। ठीक है, तो जो अभी 9th जो सदस्य बना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका कौन है, डी आंसर है डी ईरान, जो 9th सदस्य बना है शंघाई सहयोग संगठन का। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग चाइना। ठीक, कहां पे है, बीजिंग चाइना में। ठीक, और कब फाउंडेड हुआ था, 15 जून 2001 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन 15 जून 2001 को हुआ था। इसके फाउंडर मेंबर्स कौन कौन से हैं, रशिया, कौन कौन से देश हैं, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, ये इसके फाउंडर देश रहे हैं। ईरान SCO परिवार में नए सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, रायसी। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, रायसी। SCO का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित है। ठीक है, SCO चार्टर के मूल सिद्धांत विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना है। ठीक है, SCO के अगले अध्यक्ष कौन होंगे, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव होंगे। अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, ठीक है, अभी अध्यक्ष है भारत। ठीक, अभी अध्यक्षता कौन कर रहा है SCO का, भारत, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। SCO शिखर सम्मेलन 2023 वाराणसी में हो रहा है, और किसके अंदर हो रहा है, अभी पर्यटन मंत्रालय में, भारत सरकार के अंदर। ठीक है, SCO आज जिस रूप में खड़ा है उसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और भारत इसमें कब से जुड़ा है, 2017 से। भारत SCO का सदस्य देश कब बना है, 2017 से। ठीक है, और भारत SCO में क्यों शामिल हुआ, ठीक है, उसको देख लेते हैं। SCO भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है। भारत अपनी आर्थिक साझेदारी में विविधता लाने के लिए SCO देश के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाना चाहता है। मेनली क्या है, व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाना चाहता है SCO के साथ। जो थीम ऑफ इंडियाज SCO प्रेसिडेंसी क्या है, ठीक है, सिक्योर। अभी इंडिया प्रेसिडेंट है SCO का, तो उसका जो थीम है वो क्या है, सिक्योर। तो सिक्योर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवर्जिनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये थीम है इंडिया के प्रेसिडेंसी का। ठीक है, तो इसमें पहली बार क्या हुआ है, SCO मिलेट फूड फेस्टिवल हुआ है, फिल्म फेस्टिवल हुआ है, SCO सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हुआ है, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम से टीम इंडिया में जगह बनाने वाली पहली सीनियर महिला क्रिकेटर कौन है? आपको बताना है कि असम, सेवन सिस्टर्स जो हमारे राज्य है भारत में, उसमें असम से पहली बार जो है महिला क्रिकेटर इंडियन टीम का, सीनियर इंडियन टीम का मेंबर बनी है। ठीक है, उसमें जगह मिली है उनको, तो आपको बताना है उनमें से कौन है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ये सारे
जो है ये फीमेल क्रिकेटर ही हैं। ए में स्मृति मंधाना, बी उमा छेत्री, सी मिताली राज और डी शबनीम इस्माइल। ठीक है, तो इनमें से असम से जो है उनके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी उमा छेत्री। कौन है? बी उमा छेत्री। ये कहां से है? असम से है। ठीक है, असम से महिला क्रिकेटर है जो सीनियर टीम में अपनी जगह बनाई है। चलिए थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सो जो शबनीम इस्माइल है ना, शबनीम इस्माइल ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर है और ये दुनिया की सबसे तेज महिला गेंदबाज है, सबसे तेज महिला है ना, तेज महिला गेंदबाज है। ठीक है, और जो मिताली राज है ये महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली, ठीक है, क्रिकेटर है। उन्होंने क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। ठीक, और स्मृति मंधाना के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट रैंकिंग में पूर्व विश्व नंबर 1 वनडे बल्लेबाज है ना, भारतीय क्रिकेट टीम में चाहे पुरुष हो या महिला में सबसे कम उम्र की कप्तान है। ठीक है, और जो उमा छेत्री है वो असम से है और इंडिया टीम में जगह बनाने वाली असम से पहली क्रिकेटर बनी है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा थोक बाजार किस राज्य में विकसित होगा? ठीक है, आपको देखना है कि देश का सबसे बड़ा थोक बाजार किस राज्य में विकसित हो रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस देख लीजिए। आपके ऑप्शंस ए गुजरात, ठीक है, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि देश का सबसे बड़ा थोक बाजार किस राज्य में विकसित हो रहा है। तो इसका सही आंसर है बी छत्तीसगढ़ में। कहां हो रहा है? बी छत्तीसगढ़ में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, देश का सबसे बड़ा थोक बाजार नवा रायपुर में विकसित हो रहा है। ठीक है, यह प्रस्तावित थोक बाजार 438.47 हेक्टेयर में बन रहा है और कहां बन रहा है? ये सेक्टर 27 में बन रहा है। ठीक, थोक बाजार में सभी मूलभूत सुविधाएं होगी। ठीक है, और इसको कौन बना रहा है? नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, यह छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए आधारभूत जरूरी सूचनाएं होगी। ठीक है, कौन 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 बना रहा है इसको? नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा इसको बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? नवा रायपुर में सेक्टर 27 में। कितने बड़े क्षेत्र में बनाया जा रहा है? 438.47 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में से निम्न में से किस योजना में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है? आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ में संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उनमें से छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस भी देख लीजिए। गोवर्धन योजना, ठीक है, उसको गोवर्धन योजना भी बोल रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरा जल, तीसरा है जल जीवन मिशन और चौथा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में किसमें है जो केंद्र से प्रवर्तित योजना है। तो इसका सही आंसर है ए गोवर्धन योजना। ए गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना, इसमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में है केंद्र द्वारा परिवर्तित योजनाओं में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की 20 से ज्यादा योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है। कितनी? 20 से ज्यादा योजनाएं। ठीक है, 20 से ज्यादा योजनाएं, केंद्र की 20 से ज्यादा योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है। इनमें से, ठीक है, इनमें से क्या है? जो गोवर्धन योजना है ना, PMGYS योजना, मातृ वंदना योजना, जल जीवन मिशन तथा ई श्रमिक कार्ड के मामले में राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना में छत्तीसगढ़ देश भर में पहले नंबर पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश भर में पहले नंबर पे है। इसके तहत प्रदेश के 33 जिलों में 276 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं। तो मेनली जो गोवर्धन योजना है उसमें क्या बनाया जा रहा है? बायोगैस संयंत्र। ठीक है, इनमें से 27 जिलों में 227 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। इसके माध्यम से 7,55,000 से अधिक हितग्राहियों को 288 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, ठीक है, ये किनके लिए है? गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में रायपुर जिले को हाल ही में फर्स्ट स्टार कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग जिले के रूप में दूसरा स्थान मिला है। किसमें? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में। ठीक है, रायपुर जिले को हाल ही में फर्स्ट स्टार कैटेगरी के
बेस्ट परफॉर्मिंग जिले के रूप में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ ने केरल, असम और मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो शेफ चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुआ है, आपको बताना है शेफ चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुआ। आपके ऑप्शन देख लीजिए, बांग्लादेश, भारत, मालदीव और नेपाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, भारत। कहां हुआ? बी, भारत में शेफ। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, शेफ के बारे में। जो शेफ है ना, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ये कब फॉर्म हुआ? ठीक है, ये फॉर्म हुआ 1997 को। ठीक है, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले का जो फर्स्ट मैच का एडिशन था वो कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, 1993 में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी जो सेफ चैंपियन हुआ है शिप, उसमें कौन जीता है? भारत। ठीक है, इसमें कौन जीता है? भारत। और किसके साथ मैच हुआ है? ठीक है, किसके साथ मैच हुआ है? कुवैत के साथ। लेकिन कुवैत तो साउथ एशिया में नहीं आता है, तो अभी 2023 में है ना, इसमें दो टीम और ऐड हुई है। कौन कौन सी टीम ऐड हुई है? पहला कुवैत और दूसरा लेबनान। ठीक है, दूसरा टीम कौन सा था? लेबनान। ये दोनों मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ये अभी 2023 में पार्टिसिपेट की है। तो अभी जो फाइनल हुआ वो भारत और कुवैत के बीच में हुआ, तो विनर कौन हुआ है? भारत। ठीक है, ये जो सेफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या चीज के लिए है ये? फुटबॉल के लिए, फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसके है ना मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई महाद्वीपों के बीच खेलती है। ठीक है, सन 2000 में इसमें भूटान ऐड हुआ। ठीक है, सन 2000 में भूटान देश ऐड हुआ और सन 2005 में अफगानिस्तान, 2005 में अफगानिस्तान ऐड हुआ, लेकिन अफगानिस्तान 2015 से अलग भी हो गया। ठीक है, तो अभी कौन कौन से देश देख रहे हैं इसमें? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, और दो देश कौन हो गए? कुवैत और लेबनान, अभी वर्तमान में ये थे। ठीक है, तो ये मैच का समरी भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि मैच में मैन ऑफ द मैच किसको मिला? ठीक है, गुरप्रीत सिंह संधू को। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला? अनिशुर रहमान को। गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल दोनों सुनील छेत्री को मिला है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिमैक्स 23 का सातवां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? आपको बताना है जो भारत और जापान की जो समुद्री जो नौसेना है उसके द्वारा जो समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 का सातवां संस्करण कहां आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, कोची, विशाखापट्टनम, मालदीव या ओमान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विशाखापट्टनम। कहां हुआ है? बी, विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान और भारत, ठीक है, किसके किसके बीच? जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स 23 का कौन सा सातवां संस्करण कहां पे हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, ये जिमैक्स का कौन सा था? 11th वर्षगांठ, मतलब 11th जिमैक्स की 11th सीरीज की थी। ठीक है, इसमें जिमैक्स 2023 एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर प्रदान करता है, आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है तथा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भारतीय नौसेना और किनके किनके बीच? भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये परिचालन बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को कौन सा बोलते हैं? धर्म गार्जियन। ठीक है, सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में। ठीक है, और भारत और जापान के बीच में वायुसेनाओं के युद्धाभ्यास को क्या बोलते हैं? वीर गार्जियन। क्या बोलते हैं? वीर गार्जियन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक, जो साल्वेक्स है वो किनके बीच में होता है? ठीक है, ये भारतीय नौसेना, ठीक, ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में साल्वेक्स का अभ्यास होता है। इसमें क्या रहता है? बचाव और विस्फोटक आयुध निपटारा अभ्यास होता है ये। ठीक है, नव निर्मित 60,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है जो अभी जो नव निर्मित, ठीक है, जो बॉटलिंग प्लांट है किसका? इंडियन ऑयल का, वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है बिलासपुर, दूसरा है कोरबा, तीसरा मुंगेली और चौथा बलरामपुर। आपको बताना है कि किस छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है बी, कोरबा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी
कल ही 7 जुलाई को पीएम ऑफ इंडिया रायपुर के विजिट में थे, तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 6400 करोड़ ठीक है 6400 करोड़ रुपए की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कितने का किया है? 6400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ठीक है, उसमें क्या है, जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर से कोडेबोड़ खंड है ना, 33 किलोमीटर फोर लेन सड़क है उसमें। और क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर बिलासपुर से अंबिकापुर के बीच में 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली फोर लेन खंड। ठीक है, और 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखा है। ठीक है, कौन कौन से कॉरिडोर, रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर, एक कॉरिडोर और कौन सा था, है ना, रायपुर टू धनबाद, है ना, ठीक है, दो कॉरिडोर हुआ था, है ना, एक कॉरिडोर है रायपुर टू विशाखापट्टनम और दूसरा था रायपुर टू धनबाद। तो रायपुर टू विशाखापट्टनम में कितने हैं, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखा है। ठीक है, और 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरिया रोड रेल रोड लाइन, क्या था, रेल रोड लाइन, है ना, रोड खरिया रोड रेल लाइन का दोहरीकरण का ना परियोजनाओं के साथ ही केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर नई रेलवे लाइन परियोजना का को भी राष्ट्र को समर्पित किया। कि कौन कौन से, रायपुर खरिया रोड, ठीक है, रेल लाइन, और दूसरा केवटी अंतागढ़, है ना, केवटी अंतागढ़ रेलवे लाइन का राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने और क्या किया, 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कोरबा में, कहां, कोरबा में, ठीक है, कोरबा में निर्मित 60,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष वाले, है ना, प्रतिवर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल की, कौन सी कंपनी थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जापान के कोची में आयोजित एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको बताना है कि जापान के कोची में, ठीक है, जापान के कोची में आयोजित क्या, सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए बीजापुर, बी नारायणपुर, सी सरगुजा और डी कोरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए बीजापुर, कहां है, ए बीजापुर। ठीक है, ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच के लिए भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के बीजापुर से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। ठीक है, उसमें से कौन कौन के खिलाड़ी थे, एक है राकेश, सुशील और त्रिलेश। ठीक है, उसमें से 3 खिलाड़ी कौन है, राकेश, सुशील और त्रिलेश। ठीक, एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जापान के कोची में कब से, 23 से 28 जून तक के आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत के मुकाबले जापान, सिंगापुर, हांगकांग और चीनी ताइपे के साथ हुआ। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम चौथे नंबर पर रही। ठीक है, भारतीय टीम चौथे नंबर पर रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत देश का रैंक है, आपको बताना है कि भारत कौन से रैंक में है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ए में क्या है, 107, बी 131, सी 146 और डी 126। आपको बताना है कि इस बार भारत का कौन सा रैंक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी 126। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में, है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का अभी 126वां रैंक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, GPI, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ठीक है, इसको जारी कौन करता है, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसमें कितने देश थे, 163 देश को कवर करता है और इसमें 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति को मापता है। ठीक है, 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, दूसरा
चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और तीसरा सैन्यकरण, ये तीन क्षेत्र से पीस को, शांति की स्थिति को मापता है। ठीक है, भारत का 126वां स्थान है। ठीक है, भारत का 126वां स्थान है, कब? 2023 में। ठीक है, और इससे पहले 2022 में कितना था? 2022 में इसका था 128 रैंक था। ठीक है, 2022 में 128 रैंक था, अभी वर्तमान में 126वां रैंक है। ठीक है, और शीर्ष 10 देश कौन से? फर्स्ट आयरलैंड, दूसरा डेनमार्क, फिर आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, जापान और स्विट्जरलैंड, ये टॉप 10 देश हैं। किसमें? जीपीआई में, है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक, और जो हमारे जो नेबर कंट्री है नेपाल, वो कितनी है? है ना, 79 पोजीशन में है। है ना, चीन कितना है? 80 पोजीशन में है, और श्रीलंका 107 में। ठीक है, उसके अलावा जो अमेरिका है वो कौन से स्थान में है? ठीक, 131वें स्थान में, और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान 146वें। ठीक है, तो हमारे जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश नेपाल, चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान, है ना, इनका भी रैंक इस टाइप से है। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान, ठीक है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल, जिनको 1 जुलाई 2023 से 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है, आपको बताना है भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको 1 जुलाई 2023 से पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए आप, ए आर वेंकट, है ना, वेंकट रमणी, बी एम सी शीतल वार्ड, सी तुषार मेहता और डी चंद्र किशन दफ्तरी। ठीक है, आपको बताना है कि अभी किनको पुनः नियुक्त किया है, किसमें? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में। ठीक है, एस जी आई, है ना, जो भारत के अभी फिर से नियुक्त हुए, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी तुषार मेहता। ठीक है, सी तुषार मेहता। ठीक है, ये ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो आर वेंकट रमणी है, ये वर्तमान में कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी जो वर्तमान में कौन है, है ना, आर वेंकट रमणी, ये अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में। ठीक, एम सी शीतलवाड़ क्या है? ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक, तुषार मेहता भी वर्तमान में कौन है? एसजीआई, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और चंद्र किशन दफ्तरी, ये फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। और ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। किसको देता है? केंद्र सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, वो संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, वो केवल बोल सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एम सी शीतलवाड़ थे, है ना, और वर्तमान के आर वेंकट रमणी है। ठीक है, भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल के, भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन होता है। मतलब सबसे पहला पोस्ट क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद एस जी आई, ठीक, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, एस जी आई देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है एस जी आई। ठीक, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है, और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, है ना, अतिरिक्त एसजीआई द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको हमारे जो डेली डॉट्स के जो पीडीएफ और वीडियो है, हमारे सोशल मीडिया में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में, है ना, जो फ्री सेक्शन होता है, उसमें जाके आप डेली डॉट्स के करंट अफेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कोर्स उसमें और भी, है ना, पेड और फ्री दोनों कोर्सेज हैं। आप उसमें ऐप में जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा हमारी जो ऑफलाइन की CGPS की क्लासेस है, द पढ़ंतु IAS, सुंदरनगर में RBI बैंक के सामने चल रही है। उसमें CGPSC से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, या अभी आने वाले जो भी एग्जाम है उसके रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी रहेगी, है ना, तो आप फोन करके या डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।